हेलो एवरीवन, तो आज हम जानेंगे किस किस को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। सोमवार यानी 8 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कुल 119 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए। 10 लोगों को पद्म भूषण, 7 को पद्म विभूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले कुल 119 लोगों में 29 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। पद्म भूषण पाने वालों में शामिल एक्ट्रेस कंगना रनौत, सिंगर अदनान सामी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पीवी सिंधु और मैरी कॉम, बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा, शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र उन नामों में से आते हैं जिनसे हर कोई वाकिफ है। इनकी उपलब्धियां सबको पता हैं, लेकिन कल कुछ ऐसे चेहरे और तस्वीरों लोगों के सामने आई जिन्हें कल से पहले शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन आज ये शक्ति सम्मान और नए भारत की तस्वीर बन गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वे कौन लोग हैं। सबसे पहला नाम है तुलसी गौड़ा। नंगे पैर खड़ी कर्नाटक की 72 वर्षीय आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा की ये तस्वीर है। उन्हें कल पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन पौधों और जड़ी बूटियों के ज्ञान के चलते उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। 12 साल की उम्र में वे अब तक 30,000 से भी ज़्यादा पौधे रोप चुकी हैं। उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अस्थायी तौर पर सेवाएँ भी दीं और आज भी अपने ज्ञान को नई पीढ़ी के साथ बाँट रही हैं। पर्यावरण के संरक्षण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दूसरे नंबर पर आते हैं हरे काला हजब्बा। मंगलोर के 68 वर्षीय फल विक्रेता हरे काला हजब्बा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। संतरे बेचकर रोजाना 150 रुपए कमाकर इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खड़ा करवा दिया। राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए वे सादी सफ़ेद शर्ट और धोती पहनकर पहुंचे तो हर कोई उनकी सादगी का कायल हो गया। हरे काला के गांव न्यू पटबू में एक साल तक कोई स्कूल नहीं था। गांव का कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हरे काला ने साल 2000 में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक एकड़ ज़मीन पर बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। उन्होंने कहा था कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, इसलिए चाहता था कि गांव के बच्चों की ज़िंदगी मेरी जैसी ना बीते। आज इस स्कूल में कक्षा 10वीं तक के 175 बच्चे पढ़ते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पर है मोहम्मद शरीफ। अयोध्या के रहने वाले 83 साल के साइकिल मैकेनिक मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें ये पुरस्कार समाज कल्याण के लिए दिया गया। शरीफ चचा के नाम से मशहूर मोहम्मद शरीफ अब तक 25,000 से भी ज़्यादा लावारिश लाशों को अंतिम संस्कार किया है। 1992 में उनके बेटे की हत्या के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया था, जिसे अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ। इसके बाद से शरीफ चाचा ने लावारिस लाशों के क्रियाक्रम में अपनी जिम्मेदारी मान लिया। उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों को मृत शरीर का उनके धार्मिक रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार किया। उसके बाद हैं राही बाई सोमा पोपरे। बीज माता या सीड मदर के नाम से जाने वाली राही बाई सोमा पोपरे को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। वे महाराष्ट्र के अहमदनगर की महादेव कोली आदिवासी जनजाति की किसान हैं। उन्होंने अपने परिवार से खेती की पारंपरिक विधियां सीखी और जंगल के संसाधनों का ज्ञान एकत्र किया। 2 दशक पहले उन्होंने देसी बीज तैयार करना और उन्हें दूसरे को बांटना शुरू किया। उन्होंने एक ब्लैकबेरी नर्सरी तैयार की जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को उसके पौधे तोहफे में दिए। उसके बाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर देसी बीजों का संरक्षण करने का अभियान शुरू किया। यहीं से उन्होंने बीज माता का नाम मिला। उनके पास एक बीज बैंक है जिसमें करीब 200 प्रकार की देसी बीज है।
फिर आते हैं हिम्मता राम भांभू जी, इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया है। राजस्थान के नागौर जिले में रहने वाले हिम्मता राम भांभू पिछले 25 साल से पेड़ों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान के कम पेड़ वाले जिलों जैसे नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, अजमेर में वे अब तक 5.5 लाख पौधे रोप चुके हैं। पर्यावरण को समर्पित इस अहम योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, आप सब खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।